हाँ जी, तो ये है जी फाइनल लुक, पूरा चश्मा। और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अभी उठा हूँ, सोमवार का दिन है, 13 अप्रैल। एवं बस 10-15 मिनट हो गए उठा हूँ, ख्याल आया कि क्यों ना आज देसी नाश्ता किया जाए, अंडा पराठा बनाया जाए। पर मुसीबत है, उसके लिए आटा भी गूंदना है, फिर जाहिर है रोटियाँ बेलनी, बनाना ये वो, लेकिन आज कुछ ना कुछ जो है ना वो तो करना है, देसी नाश्ता नुश्ता। आज कोई ख़ास प्लान नहीं है, घर ही रहूँगा, नाश्ता नुश्ता करके पढ़ना है, उसके बाद जो है ना एक दो और काम है वो करना है, लेकिन घर ही है, उसके बाद घर बात करनी है। और अभी नाश्ता बनाने लगा, उठने लगा, आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है, किस तरह बनाना। हो सकता है आप मेरे से अच्छा बनाते हो, अगर ना बनाते हो तो अप्रिशिएट करें, और अगर बनाते हो तो मुझे भी तरीका बताएं कि किस तरह बनाना है। तो चलें जी, उठते हैं। मैं भी उठा, काफ़ी लेट ही हूँ क्योंकि रात को लेट ही सोया था, और जो है ना अभी उठता हूँ और जाना सारा प्रोसेस करके स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी सबसे पहले आटा डालें, मैं ये आटा ज़्यादा बना लेता हूँ क्योंकि बाद में हर दफ़ा तो नहीं गूंदा जाता, आराम से बनाओ। थोड़ा सा नमक, जीरा भी डाल लेता हूँ ताकि पराठा में जो है ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है।
इतनी देर में हमारा आटा ठीक हो रहा है, तो ये आमलेट के लिए प्याज है, टमाटर, मिर्चें, ये मैं अकेला हूँ तो इसलिए ये बना रहा हूँ, आप ज़्यादा हैं तो ज़्यादा यूज़ करें। सबसे पहले जो है ना प्याज को काटना छोटा छोटा। जी, प्याज सारा कट गया, अभी इसमें टमाटर, टमाटर मुझे इतना पसंद नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे, इसको भी उसी तरह छोटा छोटा काट लेना है। ये भी हो गया जी, जो है ना ये हो गया। ये जी इसकी फाइनल लुक है। अभी पराठा बनाना है तो वो बनाते हैं। ये जी इसकी फाइनल लुक है, अभी काम बचा पराठे का, वो भी बनाते हैं। फुल देसी को अभी तो बलों वाले परोठे चलन गए। मैं ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा ऑयल बस लगाना है मैंने। थोड़ा सा ऑयल, इसके बाद रोल करते जाओ।
रोल करते जाओ जी। ये इसके बाद ये पूरा अच्छा स्मॉल पाकिस्तान में तो हमने बस घर वालों को ऑर्डर लगाना होता है ये चीज़ बना दो जी, ये चीज़ बना दो, लेकिन इधर देखो खुद ही करना पड़ता है। अपनी माओ को बहनों को अप्रिशिएट किया जो इतने काम करती हैं। रोटी बनाओ हम चार दिन, अकेले बंदे के लिए बंदा बनाए तो बस हो जाती है, वो तो फिर इतने इतने बड़े कुंभे के लिए बनाते हैं। तो ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है। हम कभी कह देते हैं पराठा जला हुआ है, ये कच्चा है, नमक तेज़ है, ये वो फलाना फलाना ये वो सारा कुछ, तो थोड़ा सा बंदा सोच समझ के बोला करे। भैया जी है कोई लड़की कमेंट में यस लिखे अगर इस तरह का गोल बनाती है तो। तवा जो है अच्छा खासा जो है ना गर्म हो गया, अभी ये पराठा डालते हैं इसके ऊपर। इसे स्लो स्लो थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से पकाना दोनों साइडों से ताकि ये अच्छी तरह जो है ना कुक हो जाए। रेडी हो गया ये चेक करें जी। आए हाय 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 आज तो नहीं पेगी। हाँ जी तो ये है जी फाइनल लुक। आए हाय 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 पूरा चेस मोड। चलो जी अब लंगर प्रोग्राम है तो खा पी के तो इसके बाद मिलते हैं।